झारखंड के धनबाद में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंगल की जयंती केंदुआ प्रखंड विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यालय में मनाई गई। केंदुआ प्रखंड मंत्री गणेश पासवान की अध्यक्षता में मनाई गई। इस मौके पर उनके छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए विभाग समरसता प्रमुख पंकज तिवारी, जिला सत्संग प्रमुख ने कहा कि सिंगल का जन्म 27 सितंबर 1926 को हुआ था और उन्होंने संपूर्ण जीवन में संघ की कार्य पद्धति को अपनाते हुए संपूर्ण देश में हिंदू तत्व और परिषद के लिए संघर्ष किया था। राम मंदिर आंदोलन के लिए मुख्य सूत्रधार सिंगल हमारे बीच तो नहीं है, मगर उनके आदर्श हमारे साथ हैं और उनका सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। 17 सितंबर 2015 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इस श्रद्धांजलि में शामिल सुमित माली, विद्यानंद मिश्रा, टुनटुन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। HPN न्यूज की खास रिपोर्ट। इनके बारे में जैसा कहा जाता है कि ये खुद इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए विद्यार्थी थे। ये चाहते तो सालों शपथ से अपना जीवन बिता सकते। अशोक सिंगल जी जिसे हिंदुओं के लिए एकजुटता के लिए करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उससे हम लोग यही करना चाह रहे कि हर जगह पूरे भारत में हम लोग सब हिंदू लोग जुड़ के हर घर से एक एक कार्यकर्ता निकले और हम लोग हिंदू समाज में हम लोग काम करें। इसमें हम लोग पूरे हिंदू समाज को सुरक्षा से एकदम काम करने के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। और अशोक सिंगल जी का उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू समाज को अर्पित कर दिया। उन्होंने जाति धर्म वर्ग भेद मिटाने का काम किया और सारे हिंदुओं को जाति धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होने का काम किया। उनका जो सबसे प्रचलित नारा था, गर्व से कहो हम हिंदू। तो आप किसी भी वर्ण व्यवस्था से बाहर निकलकर आपको ये सम्मान होना चाहिए कि आप हिंदू हैं। और आज हिंदुओं के अंदर एक चेतना जगाने का काम किया कि हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू प्रबल है, शक्तिशाली है और वो अपनी मांगों को मजबूती से पूरा कर सकता है। आज हिंदू जो जगा हुआ है उसके पीछे का क्या नंबर मेरा नाम पंकज तिवारी हुआ। मैं धनबाद में